हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे कितने सुंदर गुलाब लग रहे हैं, ये देखिए। ये है कलांचू और ये मैंने इसमें करवा चौथ के इसमें लगाया था, जो करवा चौथ में हम लोग करवा यूज़ करते हैं उसमें लगाया था। तो इसमें हम बिना होल के करवे में या बिना होल की मटकी में किस तरह से प्लांट लगा सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये करवा है, ये मेरे लास्ट ईयर का है, वो उससे लास्ट ईयर का था। तो ये करवा है और इसमें होल नहीं है। ऐसे ही अगर आप कप लेते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं कि होल नहीं है तो किस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले नीचे ढेर सारे इस तरह के पेबल्स डाल दीजिएगा, थोड़े से मोटे पेबल्स हो तो अच्छा है। और थोड़ी सी ठीक मिट्टी बनाइए, क्योंकि छोटा पॉट है तो उसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स कर लीजिए, कंपोस्ट ज़्यादा डालिएगा। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र बना डाला है, पोटाश, तो ये इसमें मिक्स करके हम इस तरह से भर लेंगे जिससे कि मिट्टी मॉइस्ट रहे। ये पोटाश डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लावरिंग अच्छे से हो, छोटा पॉट है तो खाद अच्छी होगी तो अच्छे से ये ग्रोथ करेंगे। पर मैंने एक चुटकी ही ली है, ज़्यादा नहीं ली है। वो भैया वो बोल रहे थे ऑर्गेनिक पोटाश है। इसमें कुछ सूखी पत्तियाँ भी डाल रही हूँ और ये गोबर की खाद और कोकोपीट मिक्स करके हम इसमें भर देंगे, क्योंकि मैंने कलांचू लगाया है और वो क्या कहते हैं बारिश स्टार्ट होने के बाद में ही लगाया था, तो इसलिए मैंने उसमें कोकोपीट नहीं डाली है। इसमें कोकोपीट इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है, जो मैंने पहले पॉट दिखाया था, बहुत जल्दी उसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी कोकोपीट डाल रही हूँ जिससे कि नमी बनी रहे। छोटा पॉट है तो जल्दी सूखेगा गर्मियों की वजह से, और वो भी मानसून में लगाया था तो उसमें कम ही कोकोपीट डाली ही नहीं थी मैंने, सैंडी सोयल बनाई थी। तो डेली की डेली उसमें पानी डालना पड़ता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ये ड्राई नहीं होगा। और नीचे पेबल्स डाले हैं तो उसमें पानी जड़ों तक जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए इसमें मैंने डाला। अब इसमें आप चाहे सकरेंट लगा लीजिए और इस तरह से तिरछा करके लगाएंगे तो इससे पानी एक्स्ट्रा निकल भी जाएगा, होल जो है इससे पानी निकल भी जाएगा। अब सुंदर इतना पॉट है तो इसे इंडोर ही रखिएगा। इसमें सकुलेंट लगा लीजिए, लक्ष्मी कमल लगा लीजिए, कोई भी प्लांट सकुलेंट जो होता है वो लगाइएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें मैं कुछ और ही लगाऊंगी तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये है इनकी मम्मी, छोटी सी टू लेके आई थी आपके लिए, बिना होल वाले पॉट में प्लांट कैसे लगाए। तो फ्रेंड्स, तो ये प्लांट इससे तैयार किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करो नई जानकारी के साथ। ये मैं दे रही हूँ 17 रुपीज में, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग खुशबू आ रही है इसमें। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इनबॉक्स मी।